हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में, और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग पूछ भी रहे थे और कमेंट्स भी कह रहे थे कि KBS की जो सिलेबस है उसके बारे में, तो जो भी बिल्कुल न्यू बिगिनर्स हैं जिनको बेसिक से भी कुछ भी नहीं पता कि KBS का एग्ज़ाम कौन दे सकता है और क्या पेपर पैटर्न होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है और हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से एटलीस्ट आपके यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। पेपर आपका आधा जब ये आपको समझ में आ जाए कि हमको क्या पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो वहीं से मोस्टली चीज़ें आपके क्लियर हो जाती है और आप एक सही डायरेक्शन पे जा पाते हैं। तो मुझे दो अभी 2022 में जो वैकेंसीज आई थी उसका और एक बेहतर एक्सपीरियंस है मेरे पास, और मैंने इंटरव्यू की भी तैयारी कराई थी, मॉक इंटरव्यूज वगैरह लिए थे, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्टेड भी हैं। तो इस तरह से मैं एक बेहतर गाइडेंस आपको दे सकता हूं, जो भी मेरे पास बेस्ट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल बेसिक से, जिनको कुछ भी नहीं पता उनको भी समझ में आएगा और बाकी आपको जिसको पता है तो बाकी देखते हैं। तो सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो ये एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड में होता है, ठीक है, सीबीटी मोड में होता है एग्जाम। मतलब सीबीटी का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर पे आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है, ठीक। पहली चीज ये क्लियर हो गई आपकी। दूसरी आपके दिमाग में आती है कि जो KBS का पेपर है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 180 मिनट्स होते हैं। कितने, 180 मिनट्स होते हैं आपके वहीं पे, तो क्वेश्चंस भी आपके 180 होते हैं, 180 मिनट्स, 180 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस पर एक मिनट आपको मिलते हैं, 180 क्वेश्चंस और 180 मिनट्स आपको मिलते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, और मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन कौन इस KBS के एग्जाम को दे सकता है। सबसे पहली चीज, आप 12th पास आउट होने चाहिए, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, आप 12th पास आउट होने चाहिए कितने, 50% के साथ। अगर आपके 12th में 50% है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। वही बात करें, सीटेट पेपर वन क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का जो पेपर वन है वो क्वालिफाई आपका होना चाहिए। और वही बात करें, ओबीसी वाले 82 नंबर पर क्वालिफाई माने जाते हैं और जनरल वाले 90 मार्क्स पर क्वालिफाई माने जाते हैं। इसमें जो स्टेट का होता है वो क्वालिफाई मतलब नहीं माने जाते, ठीक है, आपको आपके पास सीटेट होना चाहिए। तो ये पूरा पीआरटी की चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। और वही बात करें, आपके पास डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएलएड आपके पास होना चाहिए, जो भी 2 वर्षीय रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है, एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर आपका कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल माने जाते हैं, जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कहते हैं, जो 2 साल का एक कोर्स होता है। अब बात करते हैं एज की, तो इसमें एज की क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम आपका 30 इयर्स एज होना चाहिए, 30 साल तक अगर आप हैं तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज, वो जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्या पढ़ना है, कैसे पेपर आता है, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो यहां तक हो गया। अब बात कर लेते हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अपीयरिंग कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपका अपीयरिंग में कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को नहीं दे सकता। आप अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी है आपका कंप्लीट होना चाहिए, जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके पहले, उसके लास्ट डेट तक आपका जो डिग्री या डिप्लोमा जो भी है आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा बीएड वालों को बाहर कर दिया गया प्राथमिक से, तो इसलिए बीएड वाले इस एग्जाम को नहीं दे सकते, ओनली जो डीएलएड या बीएलएड जिन्होंने किया है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो जो पेपर आपका है मैंने पहले ही बताया आपका 180 मार्क्स का पेपर होता है, क्वेश्चन 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर को करने के लिए, और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो इसलिए आप पूरा पेपर कर सकते हैं। तो अब जो पेपर है वो सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, ठीक है, 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं पेपर। अब कौन से सेक्शंस का कितना वेटेज है इसको डिस्कस करते हैं आपको डिटेल में। सबसे पहली चीज बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश जो कि 10 क्वेश्चंस आते हैं जनरल इंग्लिश के हमारे, कितने, 10 क्वेश्चंस आते हैं हमारे जनरल इंग्लिश से। बेसिक इंग्लिश आपको अगर आती है तो आप कर सकते हो। अब आगे की बात करें जनरल हिंदी,
10 क्वेश्चंस जो है आपके 10 जनरल हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, कितने 10 क्वेश्चंस आपके जनरल इंग्लिश के, 10 क्वेश्चंस आपके जनरल हिंदी के आते हैं। वहीं बात करें तो जीके और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 5 नंबर का आता है और कंप्यूटर आता है 5 नंबर का। तो आपने सुना होगा जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, जनरल हिंदी 10 नंबर का, वहीं बात करें जीके और करंट अफेयर्स 10 नंबर का, सॉरी एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा स्पीकर गिर गया, सही से लगा नहीं था। हाँ तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, जनरल हिंदी 10 नंबर का, जीके और करंट अफेयर्स 10 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर की, कंप्यूटर 5 नंबर की। तो इस तरह से मिला के आपका पहला सेक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, 10 + 10 + 10 = 30 + 5 = 40 नंबर का आपका हो जाता है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग। टोटल मिला के 40 नंबर के क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन से आते हैं, इसका वेटेज है। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पे, जिसमें पेडागॉजी पूछती है आपकी, जो सीडीपी आप कह लीजिए या साइकोलॉजी कह लीजिए या पर्सपेक्टिव एजुकेशन करके आपको बोलते हैं, इसी उसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। तो आपका 60 मार्क्स का वो आता है, क्या आता है, सीडीपी आती है आपकी, जिसमें डिटेल में सिलेबस दिया रहता है, उसमें कैटेगरी वाइज भी। वो जब हम अगला वीडियो मेरा होगा जिसमें मैं सिलेबस ही बस डिस्कस करूंगा डिटेल में कि एक्चुअली में सिलेबस है क्या केवीएस का। तो पेडागॉजी 60 मार्क्स की आती है। वहीं बात करें तो 60 + 40 कितना, 60 + 40 हो जाता है 100, ठीक है, जिसमें पेडागॉजी 60 नंबर की और 40 नंबर मैंने आपको बताया। अब बचता है 80 नंबर, 80 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट कंसर्न से आते हैं। अब सब्जेक्ट कंसर्न का क्या मतलब होता है इसको भी समझ लीजिए, सब्जेक्ट कंसर्न से 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या होता है, मैथ होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, और आपका ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस जिसको आप पर्यावरण विज्ञान बोलते हैं, यहां से आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। क्या क्या, हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ से, और किससे, ईवीएस से, मैथ इंग्लिश हिंदी ईवीएस से आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से मिला के 40 + 60 पेडागॉजी प्लस आपका 18 मार्क्स के सब्जेक्ट कंसर्न जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस रहता है, तो आपका 180 का पेपर हो जाता है। इस तरह से आई होप सो कि आपको पेपर का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें दूसरा स्टेप। पहली चीज तो आपने एग्जाम क्रैक किया, मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और आपने एग्जाम क्रैक कर लिया। अब बात आती है इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की, इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की। तो इंटरव्यू और डेमो टीचिंग दोनों मिला के 60 मार्क्स के होते हैं। इंटरव्यू और डेमो टीचिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरव्यू और डेमो टीचिंग दोनों कितने नंबर के होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। 30 मार्क्स का आपका डेमो होता है, 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, कहने को होता है, लेकिन जो आपका डेमो है उसका वेटेज आपका ज्यादा होता है। डेमो टीचिंग का क्या मतलब हुआ, आइए मैं इसको समझाता हूं आपको। तो डेमो टीचिंग देखिए, जो 60 मार्क्स होते हैं आपके, 60 मार्क्स होते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 30 मार्क्स का आपका डेमो, 30 मार्क्स का इंटरव्यू, ठीक है, 30 मार्क्स इंटरव्यू हो जाता है और 30 मार्क्स का डेमो होता है। अब डेमो टीचिंग क्या होता है, और ये जो होता है वो टोटल 100 मार्क्स से, मतलब 100 मार्क्स कैलकुलेट करके 70:30 का वेटेज होता है, मतलब ठीक है 70:30 का रेशियो होता है ये। तो अब डेमो टीचिंग क्या होती है, आपको ये भी पता होगा, जब आप जाएंगे इंटरव्यू, मान लीजिए आपने, आपका सिलेक्शन हुआ रिटेन में, आप रिटेन क्वालिफाई किए, तो आपको ये आपके चेक करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आप क्या बच्चों को पढ़ा लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपका पर्सनालिटी चेक करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जाते हैं और आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, बोर्ड पर जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया आपको, उन्होंने मान लीजिए आपको बोल दिया कि हिंदी का कोई टॉपिक पढ़ा दीजिए आप, संज्ञा पढ़ा दीजिए, या मैथ का एडिशन आप क्लास थर्ड के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ा के हमें दिखाइए, तो ये डेमो होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपका जो है 70:30 रेशियो का फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है और आप हो जाते हैं केवीएस में सेलेक्टेड। तो ये था पूरा प्रोसेस कि केवीएस में कैसे एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन एग्जाम को दे सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई बहुत सिंपल तरीके से, और पूरी एक्सपेक्टेशन है, पॉसिबिलिटी है कि आपको नवंबर एंड या दिसंबर में आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को जरूर मिलेंगी। बाकी
अपनी प्रिपरेशन, एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से सच में प्रिपरेशन नहीं की जाती, प्रिपरेशन जो असली प्रिपरेशन है वो आपको एग्जाम के थोड़ा महीने पहले से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अब जो अगला वीडियो होगा मेरा वो सिलेबस पे होगा, इंडिविजुअल सिलेबस, सीडीपी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो सिलेबस में। और एक प्लेलिस्ट बन जाएगी केवीएस 24-25 पीआरटी, ठीक है, ये पूरा पीआरटी का पैटर्न था। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।